नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर इंडियन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि पीआरपी की कितनी सेटिंग्स कराना चाहिए आपको, मिनिमम सेटिंग्स कितनी है और मैक्सिमम सेटिंग्स इसमें कितनी है। तो दोस्तों, ये जो बालों में पीआरपी होता है, इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाए थे, उसमें ये भी बताया था कि पीआरपी कैसे होता है, पीआरपी क्यों कराते हैं, पीआरपी की कॉस्ट क्या है और पीआरपी के कितने फायदे हैं। तो इन सब की जो लिंक है वीडियोस की, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो जिन लोगों को नहीं पता है, जो नए लोग हैं, वो प्लीज उधर जाके क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, उन्हीं वीडियोस में से मुझे कुछ लोग के कमेंट्स आए थे कि इसकी मिनिमम सेटिंग्स कितनी और मैक्सिमम सेटिंग्स कितनी है। तो दोस्तों, मुझे कमेंट्स के थ्रू बताने में बहुत दिक्कत हो रही थी, कैसे बताऊँ समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो चलिए दोस्तों, अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पीआरपी में जो सेटिंग्स है, मिनिमम कुछ भी नहीं है और मैक्सिमम सेटिंग्स भी कोई फिक्स नहीं है। तो दोस्तों, होता क्या है, जनरली जो इसमें सेटिंग्स है, अगर आप डॉक्टर के पास भी जाओगे तो तीन सेटिंग करेगा, तीन या मान लीजिए चार सेटिंग करेगा। तो दोस्तों, ये जो तीन सेटिंग्स जो होती हैं, ये इसलिए होती हैं कि आपको कितना रिजल्ट मिल रहा है, मतलब आपके ऊपर जो पीआरपी करी है, आपकी जो पीआरपी करी उसमें कितना रिजल्ट मिल रहा है, तो वो देखने के लिए आपको कम से कम तीन सेटिंग्स तो कराना पड़ेगी, और तीन सेटिंग्स के बाद ही सही रिजल्ट पता लगेगा। तो दोस्तों, मान लीजिए आपको पहली सेटिंग्स में 10% फायदा मिला, 20% फायदा मिला या कुछ भी नहीं मिला, ऐसे दूसरी सेटिंग्स में भी होगा, हो सकता है दूसरी सेटिंग के बाद आपको कुछ फायदा मिले, ज़्यादा फायदा मिले। तो ऐसे करके तीन सेटिंग करेंगे, तो तीन सेटिंग के बाद ही पता लगेगा आपको कितना इसका रिजल्ट मिला है। और अगर आपको बिल्कुल ही फायदा नहीं हुआ तीन सेटिंग्स के बाद, तो दोस्तों मतलब आप पीआरपी मत कराइए, आपके लिए पीआरपी नहीं है। तो ये डिपेंड करता है सभी पे, किसी को 10% फायदा मिलता है, किसी को 20, किसी को 50, किसी को 60, तो डिपेंड करता है आप पे और आपके बालों पर। तो दोस्तों, मिनिमम सेटिंग्स इसमें कम से कम तीन सेटिंग्स तो करा के देखना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए आपने तीन सेटिंग करा ली या डॉक्टर ने आपकी चार सेटिंग कर दी, तो उसके बाद आपको जो भी फायदा मिला 40%, 50%, तो उसके बाद जो है दोस्तों, आपको ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। आपको ये नहीं कि आप बहुत सारी पीआरपी करा लोगे तो खूब फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है। तीन चार सेटिंग के बाद जो है पता लग जाएगा क्या रिजल्ट है। तो दोस्तों, उसके बाद फिर क्या करना है कि उसके बाद आपको डॉक्टर जो भी है तीन चार सेटिंग करे, उसके डॉक्टर आपको मिनोक्सिडिल लगाने के लिए देगा। जितने भी आपके बाल झड़ना रुक गए हैं, जो भी आपको फायदा मिला, अब उन बालों को मेंटेन करने के लिए मिनोक्सिडिल भी डॉक्टर दे सकता है आपको, बायोटिन गोलियां दे सकता है, फिनेस्टेरॉइड, ड्यूटास्टेरॉइड कुछ भी दे सकता है। तो जो गोलियां रहती है दोस्तों, वो तो एक निश्चित समय के लिए लेनी रहती है, वो आपको डॉक्टर समझा देगा, या बीच बीच में लेना पड़ती है, वो अच्छे से डॉक्टर आपको बता देगा। लेकिन मिनोक्सिडिल तो एक तरीके से बोलूँ तो हमेशा ही लगाना है उसको, हो सकता है आपको जिंदगी भर भी लगाना पड़े बालों को गिरने से रोकने के लिए। तो दोस्तों, मान लीजिए ये सब आप ले रहे हो, तीन चार सेटिंग आपने मान लीजिए करा ली पीआरपी की, लेकिन ये सब लेने के बाद भी 6, 7, 8 महीने बाद, 5 महीने बाद, या साल भर बाद फिर से अगर बाल झड़ने लगे, और ये सब चीज़ यूज़ करने के बाद भी, मान लीजिए मिनोक्सिडिल हो गया, मिनोक्सिडिल काफ़ी जो मिनोक्सिडिल आ गए हैं आजकल दोस्तों, कॉम्बिनेशन में आ गए हैं, फिनेस्टेरॉइड के साथ आते हैं, एमएनएक्सिल के साथ आते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मान लीजिए आप ये एमएनएक्सिल और मिनोक्सिडिल जो भी है लगा रहे हैं, और आपने बायोटिन भी खा ली, और फिनेस्टेरॉइड, ड्यूटास्टेरॉइड जो भी डॉक्टर ने बोला था वो भी आपने खाई, लेकिन उसके बाद भी बाल झड़ने लगे, तो फिर से आपको पीआरपी करानी पड़ेगी। मान लीजिए 6 महीने 5 महीने कुछ भी हो सकता है दोस्तों, वो आपको खुद पता लग जाएगा कि बाल मेरे झड़ने लगे हैं, ये सब करने के बाद भी फिर से मेरे बाल झड़ने लगे, तो फिर से आपको पीआरपी की एक सेटिंग लेनी पड़ेगी। मतलब मैं यूं कह दूं कि जब भी आपको लगे 6 महीने 7 महीने 8 महीने साल भर बाद के मेरे बाल फिर से झड़ने लगे हैं, और आप जबकि मिनोक्सिडिल वगैरह भी यूज़ कर रहे हो, तो फिर से आपको एक सेटिंग लेनी पड़ेगी। मतलब बीच बीच में हो सकता है आपको सेटिंग लेनी पड़ जाए, और इसका दोस्तों कोई परमानेंट इलाज नहीं है। बाल झड़ने से रोकने के लिए कोई परमानेंट इलाज नहीं है, कि ये नहीं कि आपने पीआरपी की 3, 4, 5 सेटिंग जो भी आपने ले ली और उसके बाद आपको लग रहा है कि बाल नहीं झड़ गए, ऐसे नहीं है। जब भी आपको बाल झड़े, मिनिमम सेटिंग इसमें तीन होती है, इतनी तो करानी ही पड़ेगी आपको। कई लोग 4 भी कराते हैं, कई लोग 5 भी करा लेते हैं, लेकिन ज़्यादा कराना कोई मतलब नहीं दोस्तों। फिर यही इसका एक तरीका है कि बीच बीच में जब भी आपके बाल झड़ते हैं, तो फिर से आपको एक पीआरपी की सेटिंग लेनी पड़ेगी। और जब आपको लगे कि पीआरपी से दोस्तों कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर पीआरपी आप मत कराइए बिल्कुल भी। कई लोग ऐसे भी हैं दोस्तों, तीन सेटिंग भी करा ली, कई लोग मैंने देखा उन्होंने तीन के बाद 4 सेटिंग भी कराई, लेकिन उनको कुछ भी फायदा नहीं मिला पीआरपी से। तो कुछ लोग पे दोस्तों बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता पीआरपी, मतलब डिपेंड करता आप पे कितना रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, मैंने भी पीआरपी कराई थी, मैंने 4 सेटिंग कराई पीआरपी की, और मुझे 40% फायदा मिला, जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, सही बता रहा हूँ दोस्तों, 40% फायदा मिला। तो डिपेंड करता है आप पे। आपको किसी किसी को दोस्तों मैंने देखा 80% फायदा मिला, लोगों ने बोला भैया 80% फायदा मिला हमको, तो किसी ने बोला 60%, तो किसी ने बोला 10% ही फायदा मिला, तो किसी ने बोला कुछ भी नहीं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो मेरा मतलब इसकी कोई मिनिमम मैक्सिमम लिमिट नहीं है, मिनिमम में फिर भी आप कह सकते हो
तीन चार सेटिंग तो करानी ही है इसमें, 3 से 4 सेटिंग के बाद ही आपको जो भी अच्छा खासा रिजल्ट जो भी है पता लगेगा उसका। तो मैक्सिमम कुछ नहीं दोस्तों, बीच बीच में इसको कराते रहना है, वो फायदा आप पे डिपेंड करता है, आपके बालों पे डिपेंड करता है कितना फायदा मिलेगा। कई लोग बोलते हैं कितना फायदा इससे मिलता है, तो ये मैं कैसे बताऊं दोस्तों, ये पहले आपको पीआरपी करानी पड़ेगी, डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, और इनको मेंटेन करने के लिए मिनोक्सिडिल वगैरह लगाना रहता है। एक जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका कमेंट्स था कि मिनोक्सिडिल क्या लगा सकते हैं पीआरपी कराने के बाद। बिल्कुल दोस्तों, वो तो लगानी है, डॉक्टर खुद बोलेगा आपको लगाने के लिए, क्योंकि आपको आगे भी बालों को झड़ने से रोकने के लिए ये मिनोक्सिडिल वगैरह तो लगाना ही पड़ेगा, ये तो आपको हमेशा ही लगाना है। आप ये छोड़ दीजिए कि मिनोक्सिडिल नहीं लगा सकते, ये नहीं कर सकते, ये तो आपको करना ही है, और जितना कर सको तो आप करिए बालों के लिए, मिनोक्सिडिल लगाइए या तो बायोटिन भी खाइए। लेकिन जो गोलियां जो हम खाते हैं दोस्तों, एक लिमिट में खाते हैं, मतलब ये हम ये नहीं कि जिंदगी भर खानी है। तो ये डॉक्टर से आप मिलिए, वो आपको समझा देगा, और मिनोक्सिडिल बिल्कुल आप पीआरपी के बाद लगा सकते हो। और ये जो दोस्तों मिनोक्सिडिल है, बेसिक ट्रीटमेंट है ये तो आपको पीआरपी से पहले भी आपको डॉक्टर हो सकता है कि मिनोक्सिडिल ही बोले, बायोटिन खाने के लिए बोले, फिनेस्ट्रॉइड लिखे आपको। जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे बोलोगे मेरे बाल झड़ते, तो शुरू में ही पीआरपी नहीं कर देगा दोस्तों, पहले वो मिनोक्सिडिल देगा, वो हो सकता है कॉम्बिनेशन में दे, फिनेस्ट्रॉइड या एमेनेक्सिल के साथ दे, जिसके साथ भी दे, एक बायोटिन की गोली दे दे, एंटीऑक्सीडेंट दे दे, और फेनेस्टेरॉइड ड्यूटास्टेरॉइड जो आती है वो हो सकता है दे दे पहले। ये सब चीज़ों से बाल रोकने की कोशिश करेगा कौन? डॉक्टर। फिर उसके बाद इनसे भी नहीं झड़ते, फिर देन आपको पीआरपी करानी है, और फिर पीआरपी से भी अगर बाल नहीं रुकते तो दोस्तों फिर आखिरी ऑप्शन बच जाता है हेयर ट्रांसप्लांट। तो दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांट में बता दूं कि उनको वो कराने के बाद भी मिनोक्सिडिल वगैरह तो आपको लगानी पड़ता है बाद में भी, तो ऐसा होता है दोस्तों। तो मुझे कमेंट्स में बताने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो दोस्तों मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है, तब भी आपको कोई अभी भी कोई डाउट है तो बिल्कुल मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है, अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा। लेकिन दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप से नए नए वीडियो में लाते रहता हूँ, चाहे मेडिकल हो चाहे टेक्नोलॉजी हो। तो इसी के साथ दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, जब तक आप देखते रहिए आपका अपना चैनल नॉलेज फॉर इंडिया।